हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल #RUDYU। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पांचवा दिन, मेरा व्रत है। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, हिमांशु की छुट्टी है, तो बस मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने, उसके बाद फिर कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत तेज़ धूप हो रखी है, बहुत धूप है बाहर, एकदम गर्मी हो रखी है, कहीं कहीं ठंड होने लगी है और यहाँ पर इतनी गर्मी। चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ अभी। तो गाइज़ मेरी पूजा हो गई है अभी, और हिमांशु गए रियू को लेने स्कूल, तो रियू बस आने वाली होगी, तो बस मैं बनाती हूँ खाना, अभी चलते हैं किचन में। हेलो, अरे क्या लेकर आई वापस है? इधर रियू होमवर्क कर रही है, हिमांशु मैच देख रहे हैं, आरू अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। ये देखिए बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आरू का प्रोजेक्ट। देखिए गाइज इधर मेरा खंडिया जल रहा है, मैंने इसमें अभी अभी घी डाला है। और ये देखिए ये मेरी ज्वारे कितनी अच्छी आई है ना। तो अभी हो गया आरू का खेलने का टाइम, तो आरू जा रहा है खेलने, तो आज फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो स्टड्स पहन रहा है, फुटबॉल निकाल ली है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ऊपर से बालकनी से आपको नीचे आरू कैसे खेल रहे थे। फुटबॉल आरू का फेवरेट आउटडोर गेम है, सबसे ज़्यादा फुटबॉल ही खेलता है। और अभी बाकी फ्रेंड्स तो आए नहीं है, दो ही फ्रेंड्स खेल रहे हैं ये लोग। ये ऑटो कहाँ से है गाइज? मैंने आपको दिखाई थी ना आप राजी तबेल की नई पत्तियाँ की लाइट ग्रीन कलर की, अब देखिए वो भी मिल गई उसी में ना, डार्क हो गई। गाइज तो अभी हो गई है शाम और आलू खेल गया है, रियू सो रही है, घंटी बजे को आया, पहले देख के आता। तो गाइज अभी जो घंटी बजी थी, मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो वो सामान ही आया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। मैंने आलू मंगाया है रियू के लिए, ओरियो मंगाया है, उसके बिस्किट खत्म हो गए थे ओरियो, और इधर हींग मंगाई है, हींग भी ख़त्म हो गई थी, दही मंगाया है और रिफाइंड ऑयल, और साथ में राजगिरा का आटा मंगाया, और आलू ने कुरकुरे बोला तो उसके लिए कुरकुरे मंगाया। वैसे हम सामान ना एक साथ जाके खरीदते हैं पूरा, बट फिर कभी कभी कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर पास से मैं मंगा लेती हूँ। तो गाइज मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि रियू सो रही है, आरू खेलने गया है, हिमांशु मैच देख रहे हैं, आज इंडिया बांग्लादेश का मैच आ रहा है ना, तो हिमांशु मैच देख रहे हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने, बस मेरी कॉफ़ी बन रही है। अच्छा मेरा फास्ट है ना, तो मुझे ऐसे भूख भी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ रात को थोड़ा वीकनेस लगने लगती है फिर, क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं पता चलता, रात को लगता है, मतलब ऐसे वीकनेस ही मुझे लगता है कि बस मैं सो जाऊँ, सोचती हूँ नीचे जाऊँगी गरबा में, बट फिर इतनी थकान हो जाती है कि तैयार होने का मन ही नहीं करता, फिर लगता है कि अब सो जाओ। तो रात को ना व्रत का खाना खाने के बाद लगता है कि बस सो जाओ, तो फिर मैं नींद नहीं आए चाहे, लेकिन रेस्ट कर देती हूँ, लगता है कि हाँ लेट जाओ बस चाहे सो लो। तो ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। स्टेट्स चेंज करना है क्यों? तो अभी खाने की तैयारी के लिए मैंने आलू उबाल लिए इधर, और इधर मैं काट रही हूँ टमाटर, और हरी मिर्च भी काट ली है मैंने, तो मैं व्रत की आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, आलू टमाटर की सब्जी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी गरम करने के बाद जीरा ऐड किया, उसके बाद हरी मिर्ची डाली, फिर टमाटर डाला, और टमाटर को ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, और अभी इसको भी मिक्स करके अच्छे से देखिए मैश कर दिया, उसके बाद डाल दिया उबला हुआ मैश किया हुआ आलू, फिर से नमक डाला आलू के अकॉर्डिंग, और मिक्स कर देंगे, और उसको 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे, और अभी ना इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। बहुत टेस्टी बनती है व्रत वाली सब्जी। इधर मैं बना रही हूँ राजगिरा के परांठे, तो राजगिरा का आटा लिया है मैंने, उसमें डाला है मैश किया हुआ उबला हुआ आलू, साथ में व्रत वाला नमक और काली मिर्च, अभी आटा गूंद लेंगे। इधर सब्जी भी बनकर तैयार होगी, तो उसमें मैंने ऐड किया हरी धनिया और नींबू का रस, और देखिए ये आटा लग गया था तो परांठे बना लिए, घी लगा लगा के बहुत ही मस्त परांठे बनते हैं एकदम अच्छे से। तो अभी इधर मैंने सर्व कर दिया है व्रत वाली आलू टमाटर की सब्जी, व्रत वाला राजगिरा का परांठा और दही। तो देखिए गाइस इधर ना अर्नब का फाइनली कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा। कल एक्चुअली सबमिट करना है स्कूल में, तो इसलिए आरू ने अभी कंप्लीट किया है। आरू इसके बारे में बताओ जरा डिटेल में, आरू है क्या ये बताओ? ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था मेरे मैथ्स एग्जीबिशन के लिए, इसका नाम है विजुअलाइजिंग 3D शेप्स। तो इसमें से एक 3D शेप्स है, हम इसको पुल करते हैं तो वो
3D बन जाते, मतलब ऐसे ही एक बन गया क्यूबॉइड, ऐसे ये बन गया क्यूब, ओके। तो उसके बारे में लिखा है मैंने कि ये क्या है और इसके कितने साइड्स है ये वगैरह, और ये हेल्प करता है 3D शेप्स को समझने में इजीली। इससे फन वे में 3D शेप्स को समझ सकते हैं। इट्स अ क्यूब, इट हैज 6 साइड्स। इट्स अ पिरामिड, इट हैज 4 साइड्स। इट्स अ क्यूबॉइड, इट हैज 6 साइड्स। इट्स अ प्रिज्म, इट हैज 5 साइड्स। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है सबने, और बस अब मैं करूंगी किचन क्लीन और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टाटा।